नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमन एकेडमी में। तो दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए हुए डायरेक्ट सीधा टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें इस टॉपिक में घुसने से पहले दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे आनुवंशिकता या वंशागति, इसे बोलते हैं इंग्लिश में हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस दोस्तों क्या होता है? आनुवंशिक लक्षणों का, जेनेटिक कैरेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना, यही कहलाता है इनहेरिटेंस और हेरिडिटी, आनुवंशिकता या वंशागति। इसके बाद दोस्तों, इसमें बात आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? इसमें जो मेन टॉपिक है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स पे ही हम खास चर्चा करेंगे। जेनेटिक्स को हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिकी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता मतलब इनहेरिटेंस, जो भी मैंने ऊपर बताया था, इसलिए मैंने उसको ऊपर पहले ही बता दिया था कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हेरिडिटी का अध्ययन किया जाता है, उसे जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स, अगर जेनेटिक्स शब्द की बात आए तो दोस्तों, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, डब्लू वेटसन, इन्होंने ही सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। डब्लू वेटसन साहब जो कि एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने काफी जो है, इन्होंने ही जेनेटिक्स शब्द को दिया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करें, कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं इनके ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। इसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। इसके बाद इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन, हर बोर्ड एग्जाम हो या कोई कंपटीशन हो, इनका इंट्रोडक्शन आता है कि, तो सबसे पहले इनकी बात करेंगे इंट्रोडक्शन ग्रेगर जॉन मेंडल साहब के। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही आनुवंशिक विज्ञान की, जेनेटिक साइंस की ही नींव डाली, और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। इनका जन्म दोस्तों 22 जुलाई 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया प्रांत के मोराविया में एक जगह है, एक गांव है जिसको बोलते हैं सिलीसिया, वहां पे इनका जन्म हुआ था। तो ऑस्ट्रिया तो दोस्तों आपने नाम सुना ही होगा, और वहां पे ये कुछ दिनों के लिए ईसाई, वहां पे पादरी बोलते हैं, वहां पे ही पादरी बन गए थे ब्रून शहर में। इसके बाद इन्होंने मटर गार्डन पी को लिया। गार्डन पी को लेने के बाद इन्होंने सात वर्ष तक 1856 से 1863 ईस्वी तक इन्होंने वर्क किया। किस पे? केवल गार्डन पी पर वर्क किया। और इनका जन्म कब हुआ था? बॉर्न हुआ था इनका 1822 को, सन 1822 ईस्वी को दोस्तों इनका जन्म हुआ, और 1856 से 1863 तक इन्होंने गार्डन पी पर कुछ इन्होंने ऐसे ही चलते फिरते प्रयोग किए, कोई खास इन्होंने बस अचानक से इनको गार्डन पी दिखी और उन्होंने, इनको दिमाग में कुछ आया कि इसके बारे में कुछ अध्ययन किया जाए, इसलिए उन्होंने इस पर प्रयोग शुरू कर दिए। 7 वर्षों तक लगातार प्रयोग किए, 7 जोड़ी लक्षण 7 पेयर लिए इन्होंने कैरेक्टर के। इसके बाद इन्होंने इन जो सातों लक्षण थे पेयर लिए थे उनको इन्होंने एक सभा में प्रस्तावित किया था, उसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसमें इन्होंने प्रकाशित किया सबसे पहले, और उन्होंने 1866 ईस्वी को इसमें छापा, ठीक है। तो और इनके बात पे कोई खास ध्यान भी नहीं दिया गया। प्राकृतिक चयनवाद, डार्विन का जो है आपने सुना होगा, प्राकृतिक चयनवाद सिद्धांत जो है उस टाइम वो यही चर्चा में चल रहा था, तो इनकी बात पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम उनका जलवा था भाई, हमारे जो ये वैज्ञानिक थे ग्रेगर जॉन मेंडल उस टाइम इतने ज्यादा फेमस थे नहीं कि इनकी बात पे कोई ध्यान दे। इन्होंने जो है, ये डार्विन साहब पहले से ही फेमस थे, तो उनको लोगों ने ज्यादा वैल्यू दी, इनको किसी ने, सभी ने निग्लेक्ट कर दिया, ऐसे ही तो चलता रहता है। इसके बाद 1884 को इनकी डेथ हो गई, ठीक है, 1884 में इनकी डेथ हो गई। अब जो है इनकी डेथ हो गई, अब क्या हुआ, इनके जो 7 पेयर वो वाला जो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, अब वो तो रह गया, इनका देहांतवास हो गया। अब हमारे जो है सन 1900 में तीन साइंटिस्ट आए, सबसे पहले थे ह्यूगो डी ब्रिज, दूसरे कार्ल कॉरेंस, तीसरे थे हमारे सेरमैक। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब के सिद्धांतों को इन तीन वैज्ञानिकों ने सन 1900 ईस्वी को प्रकाशित किया, क्योंकि भाई उनकी डेथ हो गई थी 1884 ईस्वी को, और बचे इनके बाद इन तीन वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इनको थोड़ा ध्यान दिया इनके सिद्धांतों पर, और इनके तीनों सिद्धांतों को दुनिया के सामने ला दिया सन 1900 में। और उनकी जो, और लोग बोलते हैं, ऐसा मानते हैं कि इन्होंने जो है, इनकी डेथ नहीं हुई थी, इनका सुसाइड था, क्योंकि इनके सिद्धांतों पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी एक्सपेरिमेंट में जीवन पूरा व्यतीत कर दिया, और अंत में इनको कोई निराशा ही हाथ लगी, कुछ भी हाथ नहीं लगा, इसलिए
लीजिए। लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ कुछ बुक में लिखा भी हुआ है ऐसा, बट इनकार नहीं कर सकते कि नहीं, लेकिन ऐसा ही हुआ था। और 1900 ईस्वी में दोबारा पुनः फिर से तीन वैज्ञानिक आए, उन्होंने इनके बात पर थोड़ा ध्यान दिया और इनके सिद्धांतों को सही पाया, इसलिए उन्होंने इसको प्रकाशित कर दिया। दोस्तों बात आती है कि मेंडल ने मटर, जो कि जिसे बोलते हैं गार्डन पी, को ही क्यों चुना, कारण था। आखिर और भी दुनिया भर के पेड़ पौधे जो भी हैं, हर चीज़ होती है, उन्होंने मटर की मटर के पौधे को ही क्यों चुना, क्या कारण था? इसके चुनने के भी कई कारण थे। सबसे पहला कारण ये है कि ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, द्विलिंगी पौधा। दूसरी बात, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मतलब स्व परागण, आपने शायद पढ़ा होगा हिंदी में स्व परागण, जिसमें परागण जो है एक पौधे से उसी पेड़ में रहते हैं, बल्कि दूसरे पेड़ पर पॉलन ग्रेन नहीं जाते हैं। के बाद इसमें एक और खासियत थी कि एक वर्षीय पौधा है, एक वर्ष में ही तैयार हो जाता है और उसका फल आ जाता है, एक वर्षीय पौधा, ये सबसे बड़ा रीजन था कि एक वर्ष में जो है इनको तुलनात्मक अध्ययन, डिफ्रेंशिएबल स्टडी करने में काफ़ी फायदा हुआ और जल्दी से जल्दी ही पेड़ तैयार हो जाता है, एक साल में आसानी से तैयार हो जाता था और ये बड़ी आसानी के साथ उस पर शोध कर पाते थे, रिसर्च कर पाते थे। उस पर आसानी से पॉलिनेशन की क्रिया होती है क्योंकि इसमें पॉलिनेशन के चांस 100% होते हैं। तो ये दोस्तों कुछ कारण थे कि उन्होंने क्यों चुना। कुछ क्लासमेट या हमारे टीचर पूछ देते हैं कि ये कि स्टूडेंट से कि अच्छा बताइए कि इन्होंने इसी प्लांट को क्यों चुना। तो उसको चुनने के कारण थे दोस्तों, मैंने बताया क्योंकि दो लिंगी पौधा है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, सेल्फ स्व परागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, और ये एक वर्षीय पौधा है। वर्षीय मतलब एक वर्ष में ही इसका तैयार होता है, आसानी से इस पर तुलनात्मक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मेंडल ने जो मटर के पौधे पर 7 पेयर लिए थे, 7 जोड़ी लक्षण, 7 पेयर कैरेक्टर को दोस्तों मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि वो कैरेक्टर कौन कौन से थे जो उन्होंने 7 वर्ष तक 7 जोड़ी लक्षण लेकर प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके जो लक्षण हैं उसको मैं अब प्रकट करता हूँ। पहला लक्षण है का रंग, कलर ऑफ फ्लावर। दूसरा, बीजों का आकार, शेप ऑफ सीड्स। तीसरा दोस्तों, तो उन्होंने जो 7 जोड़ी लक्षण लिए थे, 7 पेयर कैरेक्टर लिए थे, उन्होंने प्रयोग किया था 7 वर्षों तक, उसमें सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है तने की लंबाई, दूसरा था फूल का रंग, तीसरा फूल की स्थिति, पोजीशन ऑफ फ्लावर, और चौथा है फली का आकार, पांचवा है फली का रंग, छठवा है बीज का आकार, बीज का रंग। तो तने की लंबाई, लेंथ ऑफ स्टेम, फूल का रंग, कलर ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, और फली का आकार, फली का रंग, बीजों का आकार, बीजों का रंग, ये 7 कैरेक्टर लिए थे, ये लक्षण हैं, ये कैरेक्टर थे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बचे हुए टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।